दोस्तों जीएसटी पोर्टल पर नई एडवाइजरी आई है एक एडवाइजरी इशू की गई थी पोर्टल पर इन ई इनवॉइस से रिलेटेड उसी एडवाइजरी के अंदर अब कुछ चेंज किया गया है तो वो क्या नया बदलाव हुआ है वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे तो चलिए आगे पढ़ते हैं चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए जीएसटी एस या हो इनकम टैक्स बहुत ही इम्पोर्टेंट अपडेट्स हो रहे हैं इट इज़ टू इन्फॉर्म यू दैट इट हैज़ बीन डिसाइड किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा कि एक टाइम लिमिट लगाई जाए ऑन रिपोर्टिंग ओल्ड इन्वाइस ऑन द ई इन्वाइस पोर्टल ठीक है ये तो आप सभी जानते हैं पहले भी ये एडवाइजरी में चीज़ें लिखी गई थी फोर द टेक्सपेयर किन टेक्सपेयर्स के लिए रिस्ट्रिक्शन लगेगी जिनका एनुअल एग्रीगेट टर्न ओवर जो है वो सौ करोड़ या उससे अधिक है ठीक है तो चलिए ये भी चीज़ें पहले थी टू एन्श्योर टाइमली कंप्लाइंसेस हो, टाइमली रिपोर्टिंग हो इन की तो इस चीज़ को जो है ध्यान में रखते हुए ये रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है तो जो टेक्सपियर है इन दिस कैटेगरी कौन सी कैटेगरी जिनका एनअल एग्री के टर्न ओवर सौ करोड़ या उससे अधिक है दे विल नॉट बी अलाउड टू रिपोर्ट इन जो कि ओल्डर हैं मोर देन सेवन डेज प्लीज नोट दैट दिस रिस्ट्रिक्शन विल अप्लाई टू ऑल द डक्यूमेंट्स टाइप सभी डॉक्यूमेंट्स पर अप्लाई होगी विच आई जिनके लिए आयर एन आपको जनरेट करना होता है वंस इशूड द क्रेडिट एंड डेबिट नोट विल ऑल्सो हैव टू बी रिपोर्टेड विद इन सेवन डेज तो ये नया बदलाव यहाँ पे कर दिया गया है कि क्रेडिट एंड डेबिट नोट विल ऑल्सो हैव टू भी रिपोर्ट आपको करने होंगे विद इन सेवन डेज जो कि इस अपडेटेड एनवाइसरी में चेंज किया गया है फॉर एग्जाम्पल अगर आपका इन्वाइस एक अप्रैल का है तो इट नॉट भी रिपोर्टेड आफ्टर अप्रैल एट सात दिन की रिस्ट्रिक्शन लग जाएगी आठ अप्रैल के बाद आप उसे रिपोर्ट नहीं कर पाएंगे वेलीडेशन सिस्टम बिल्ट इन टू द इन वॉयस रजिस्ट्रेशन पोर्टल विल ऑल्सो डिसअलाउ यूजर फ्राम रिपोर्टिंग द इन वॉयस आफ्टर द सेवन डे विंडो तो यहाँ पे टेक्सपेयर को क्या इंश्योर करना है कि विद इन सेवन डेज जो कि नई लिमिट प्रोवाइड की गई है वो इन वॉयस रिपोर्ट कर दें इट इज़ टू फर्दर क्लैरिफाई देअर इज नो सच रिपोर्टिंग रिस्ट्रिक्शन ऑन टेक्सपेयर्स जिन टैक्सपेयर्स का एनुअल एग्रीगेट टर्न ओवर सौ करोड़ से कम है अभी उन पर कोई भी इस तरह की रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई गई है केवल उन्हीं के लिए है जिनका एनुअल एग्रीगेट टर्न ओवर मोर देन हंड्रेड करोड़ है और अब इसमें जो है इन्होंने चीज़ें क्लियर कर दी हैं कि वंस इशूड क्रेडिट एंड डेबिट नोट विल ऑल्सो हैव टू बी रिपोर्टेड विद इन सेवन डेज ऑफ इशू in order to provide sufficient time for taxpayer to comply with this requirement which may require changes bhi honge system mein to yahan pe ye implement ho rahi hai 1st may 2023 onwards तो ये बड़ा बदलाव जो है कर दिया गया है आपकी invoicing से जुड़ा जो आपकी पुरानी advisory थी उसके अंदर क्या change था उसको अब updated advisory के द्वारा clear कर दिया गया है